तो देख सकते हैं ओरछा में स्थित है महाराजा रुद्र प्रताप का जी का ये महल, जो 500 वर्ष पहले इसका खास तौर पर निर्माण हुआ था। तो देख सकते हैं भगवान के सीधे दर्शन यहाँ से पाया करती थी। यहाँ पर जब रानी जगेगी तो देखना मंदिर के डायरेक्ट आपको दर्शन होंगे भगवान को। यहाँ आपको राजा का कक्ष दिखा दूँ, इस कक्ष में से ये जगह भी सुरंग भी जाती है। ये टेम्पल है, टेम्पल में कैसा डांस हो रहा है। पर कैमरा मैन थोड़ी नजदीक से जरूर इसे दिखा दो किस प्रकार से हाथी में कितने व्यक्ति समा गए हैं। देख सकते हैं ये रास्ता नीचे की ओर जाता है कि खजाने की ओर जाता है, कहाँ यात्री करते हैं। तो देख सकते हैं ये रानी का कक्ष, इसमें पानी भर दिया करते थे पहले फूल, पानी के बाद इसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली जाती थी गया है। और नांग फन वगैरह देख ही सकते हैं उस समय की देवी देवताओं को खास तौर पर इसमें उकेरा गया है। यहाँ पर राजा का सिंहासन था, ऊपर फंक्शन चला किया करता था वहाँ। यहाँ पर जो नीचे की ओर रास्ता जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द महोबत चैनल में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ राजा का महल, राजा रुद्र प्रताप का महल, जो दो नदियों के बीच में बना है। तो देख सकते हैं राजा रुद्र प्रताप का महल की ओर रास्ता जाता है, हम वहाँ पर जाएंगे और आपको इस महल के बारे में बताएंगे। आज से 500 बरस पहले इस महल का निर्माण हुआ था, पूरा इतिहास बताएंगे और महल के अंदर क्या सारी सुख सुविधाएं होती थी वो सब कुछ एक्सप्लोर करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ। और आज मैं हूँ मध्य प्रदेश में निवाड़ी ज़िले में ओरछा में, जो स्थित है इनका एक महल और यह बुंदेलखंड का खास हिस्सा माना जाता है ओरछा। तो यहाँ पर देखेंगे राजा का इतिहास लिखा है, जो यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा है कि राजा का महल का निर्माण न्यू राजा रुद्र प्रताप ने रखी थी, जो 1501 से 1531 ईस्वी में, यानी कि आज से 500 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी। और ऐसे पूरा का पूरा 30 वर्षों का ऐसे समय लगा था बनने में। तो क्या खास होगा इस महल में वो मैं अंदर जाकर आपको दिखाने वाला हूँ। तो गौर से देखिए, ये राजा का महल है, जो बाहरी गेट है मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। और ये देख सकते हैं कितना विशाल बना हुआ, यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर इनका दिया गया है, जो जो यहाँ पर चीज़ें उपलब्ध हैं और अभिलेख जो जो कुछ यहाँ पर मिला है, और बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर घूमने के लिए। राजा के महल का इतिहास है, अंदर मैं दिखाऊंगा क्या है। और इसके नीचे से सुरंगें टाइप में निकलती हैं, वो मैं सब कुछ एक्सप्लोर करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर जैसे ही हम एंट्री करेंगे, तो एंट्री करने के बाद तो अंदर आएंगे तो एक दरवाज़ा हमें मिलेगा, जो शायद लगता है जैसे उसी टाइम का हो और इसी समय ये बनाया हो। 500 वर्ष पहले इसकी नींव रखी गई है। तो उसी प्रकार से राजा के महल के भीतर जैसे ही आएंगे तो हमें दो रास्ते मिलेंगे। ये क्यों? क्योंकि एक चीज़ बुंदेलखंड में मैंने खास तौर पर देखी, जितने भी महल बने उसकी एक शैली थी बुंदेली शैली। बुंदेली शैली में क्या होता था कि डायरेक्ट जो रास्ता था, देख सकते हैं आजकल अगर हम घर बनाते हैं तो सीधा रास्ता होता है आंगन की ओर, मगर इनका आंगन की ओर नहीं होता था, दो दाएँ और बाएँ तरफ। तो एक ये है, एक हम इस तरफ से हम जाएंगे दोस्त। तो इस तरफ से जैसे हम विजिट करेंगे तो अब हम आंगन में आ चुके हैं। जैसे हम आंगन में आएंगे तो हमें बहुत विशाल नज़ारा हमें देखने को मिलेगा, भव्य तरीके से इसे सजाया है, किस प्रकार से बनाया गया है। तो देखिए जब यहाँ पर आएंगे तो इसे देखिए, ये आंगन है आंगन। और एक चीज़ यहाँ पर खास होती थी, जैसे महल का आप यहाँ पर चबूतरा देख रहे हैं, ये चबूतरा क्यों खास है? अक्सर इस महल में कोई फंक्शन और प्रोग्राम बराबर रखे जाते थे, राजा महाराजाओं के शौक थे। यहाँ पर फंक्शन या कुछ रखा, जैसे प्रोग्राम नृत्य वगैरह हो रहा है, तो राजा का सिंहासन यहाँ पर होता था जस्ट ऊपर। दिखाना कैमरामैन, इसके जस्ट ऊपर राजा का सिंहासन होता था। वो राजा का कक्ष के सिंहासन के पीछे, यहाँ से पीछे डिजाइन इतनी कलाकारी बिखेरी गई है फूल पत्तियों से, बहुत अद्भुत कर देती है वो चीज़ें। ऊपर थोड़ी जूम करके दिखा देना कैमरामैन, अंदर देख सकते हैं उस प्रकार से। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो नीचे की ओर रास्ता जाता है, इससे हमें साफ पता लगता है कि ये तो या तो सुरंग के लिए मेरे हिसाब से रास्ता जाता होगा, क्योंकि राजा महाराजों के कुछ सीक्रेट थे। कोई कोई यहाँ से नदी जो निकली है यहाँ पर बेतवा क्या पाया, वहाँ पर ये रास्ता हुए इनकी, सुरंगें ज़रूर बनाया करते थे, तो यहाँ पर लॉक कर दिया जिससे कोई जा ना पाए। और यहाँ पर आप देखेंगे पानी किस लिए भरा, ये उसी समय की हौदी है, देख सकते हैं टैंक जो बनाया है। क्यों बनाया था? इसका एक रीज़न था, इसमें पानी भरा रहता था और बर हमेश इसमें जो गुलाब की पंखुड़ियाँ होती थी, फूल पत्ते इसमें डाले जाते थे, जिससे पूरे हार सुगंधित, यानी एक खुशबूदार, बिल्कुल खुशबू पूरे हार फैले। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर अभी आंगन का एक महत्व रहा जो अपने आप में। और एक देखिए, अगर कुछ भी होता था तो औरतों को ज़रूर उसमें देखने की कुछ छूट थी कि वो देख सकते हैं। तो ऊपर आप देखेंगे, यहाँ से आना कैमरामैन, यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर जालियाँ बनाई गई हैं, ऊपर यहाँ से देखें जालियाँ बनाई गई हैं, और जालियाँ के जस्ट यहाँ पर देखिए ऊपर जालियाँ बनाई गई, जालियाँ के इस तरफ धीरे धीरे आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे जब कोई फंक्शन प्रोग्राम होता था तो वहाँ पर औरतें बैठा करती थीं, और इसके बाद यहाँ पर अपना जो फंक्शन इनका चलता था, ये वहाँ पर से
देखा देख लिया करती थी। तो यहाँ से देख सकते हैं उनको भी अलग प्रकार की एक छूट दी जाती थी देखने के लिए। तो देख सकते हैं आप बाहर का भी आप नज़ारा देख लें, जहाँ से एंट्री की किस प्रकार से इसे बनाया है। कम से कम 3 से 4 मंजिल ये बना है और अभी नीचे भी मैक्सिमम 2 मंजिल के समथिंग अभी नीचे भी हमें देखने को मिलता है। जो तल की ओर रास्ता जाता है वहाँ पर लॉक कर दिया गया, वहाँ पर कोई नहीं जा सकता दोस्त। इसके बाद हम जैसे ही आएंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जो कक्ष बनाए गए हैं इसके अंदर देखना, यहीं से बता दीजिए कैमरामैन जूम करके। इसमें जो जैसे प्रोग्राम होते थे तो सजने की जो नृत्यिकाएँ होती थी वो सजा करती, उनके लिए अलग से स्पेशली कक्ष बने थे। तो वहाँ से निकल कर यहाँ अपना फंक्शन किया करती थी वो लोग और राजा सामने बैठक लगाया करते थे। तो अब मैं यहाँ पर और क्या है, तो जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे इस सब पानी की निकासी के लिए उसी समय का बनाया गया था। यहाँ से देख सकते हैं पानी का निकासी होया करता था इस किले का पूरा बाहरी हिस्से में। तो मैं एक बार वहाँ पर और मैं दिखा दूँ। अब हम यहाँ पर आ चुके, महल पता है राजा का महल बहुत विशाल बना हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से कि यहाँ पर देख सकते हैं राजा का सिंहासन था, देखना यहाँ पर राजा का सिंहासन था। ऊपर फंक्शन चला कर गया करता था, वहाँ से आप देख सकते हैं। और फंक्शन के बाद इस सिंहासन के यहाँ भी एक चीज़ महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलती है, इस सभाकार कक्ष को। राजा कभी कभी क्या होता था कि अपने लिए, यानी कि कोई कोई चीज़ के अगर बारे में विचार विमर्श करना है तो मंत्रियों के साथ इस जगह पर बैठक लगा लिया करते थे। और इसे इतनी अच्छी तरीके से सजाया है, डिजाइन और कलाकारी काढ़ी गई है। कैमरामैन एक बार दिखा दीजिए कैप्चर करके उस समय की कलाकारी। ये सब 500 बरस पहले ही इसे डिजाइन दी गई थी और आज भी देख सकते हैं, आज 500 बरस हो चुके हैं तब भी पे हमें ऐसा देखने को मिलता है। इससे आप देख सकते हैं उस समय के कलर कैसे फूल पत्तियों जंगलों से लाकर किस प्रकार से बनाए जाते थे कि आज भी हमें पूरी तरीके से दिख रहे हैं और कितनी अच्छी तरीके से। तो देख सकते हैं अब हम आगे की ओर चलेंगे, वह कक्ष भी दिखाऊंगा जहां राजा और रानी एक साथ रहा करते थे वहां पर। तो देखिए यहां पर जैसे ही आएंगे तो ये रास्ता नीचे की ओर जाता है, सब नीचे रास्ता जाते हैं। तो देखिए कक्ष के बाद हमें कक्ष मिलेंगे और यहां पर ऐसे तमाम कमरे बने हैं जो पता नहीं, एक भूल भुलैया का रूप भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं से निकलो कहीं पर चले जाओ कहीं पहुँच नहीं पाते। यहाँ पर भी दिखा दीजिए कैमरा में, एक कक्ष है यहाँ पर नीचे की ओर जो रास्ते जाते हैं और नीचे की ओर इसमें रास्ता चला ही जाता है, देख सकते हैं यहाँ से आप। और अंदर तो नहीं हम जाएंगे, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं खास किस लिए इसे बनाया होगा। तो अब हम इस तरफ जाएंगे, जैसे हम इस तरफ आते हैं तो इस तरफ आने के बाद अब हम देखेंगे बहुत अच्छी कलाकारी और डिजाइन। देखिए जब यहाँ पर आप विजिट करोगे तो ऊपर एक बार इसकी चित्रकारी देखकर शायद आप भी हैरान रह जाओ। तो देखना कैमरामैन दिखाना है, देखिए इसमें कैसा दर्शाया गया है। और नांग फन वगैरह देख ही सकते हैं उस समय की देवी देवताओं को खास तौर पर इसमें उकेरा गया है। यहाँ पर आपको तमाम ऐसे राज और यहाँ पर राजा महाराजा का भी जो रुद्रप्रताप है उनका भी सीन मुझे लग रहा है यहाँ पर दर्शाया गया है। पूरा का पूरा इतिहास वर्णन कर दिया गया है और खास तौर पर यहाँ पर सभी देवी देवताओं के ज़्यादा चित्र बनाए हैं। इससे पता लगता है कि राजा जो थे बहुत भक्ति किया करते थे खास तौर पर। तो एक कक्ष है और इसमें कक्ष में ताला लगा दिया गया है, राजा का ही कक्ष है। अब पता नहीं इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं, देखिए आज के समय में। तो अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, देखिए छल्ले आपको देख रहे हैं होंगे शायद यहाँ से, ये छल्ले किस लिए हैं। यहाँ पर पूरे महल में पर्दे लगा रहा करते थे, पर्दे लगा दिए, इधर लॉक हो गया समझो ये, तो इसमें पर्दे लगा रहा करते थे इसमें। तो देख सकते हैं अब यहाँ पर आएंगे, यह है वो राजा का बैठक कक्ष, यानी गर्मियों के टाइम में यहाँ पर बैठक लगाया करते थे। किस प्रकार से इसे बनाया है, एक 12 द्वारी की तरह जैसे चारों तरफ से हवा आ सके, ठंडक का माहौल महसूस हो सके। और इसमें सेना दर्शाई गई है, देखिए ऊपर यहाँ पर देखेंगे घोड़े, एक में कोई तलवार लिए है कोई भाला लिए हैं कोई हाथी से चल रहा है, अनेक राजा महाराजाओं के पूरे चित्रांकन इसमें दर्शाए गए और चित्र बनाए गए हैं। ऊपर फुलवारी बनाई गई है, तो इसी प्रकार से वो भी कक्ष है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और यहाँ जस्ट इसके कक्ष के यहाँ आप देखेंगे एक टैंक मिलेगा, यानी हौदी बोला जाता है जिसे। इस टैंक को क्यों बनाया, इसमें पानी भर दिया करते थे पहले फुल,
पानी के बाद इसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली जाती थी, और पंखुड़ियाँ के बाद यहाँ पर आप छल्ले देख रहे हैं, यहाँ पर पर्दे लगा रहा करती थी। जो इनकी दासियाँ थी वो इस प्रकार से हिलाया करती थी जिससे इसकी खुशबू फैले और कमरे में इससे पूरी ठंडक महसूस हो। ख़ास तौर पर गर्मियों के दिनों में इसे ज़्यादा यूज किया करते थे राजा महाराजा, जो राजा रुद्र प्रताप थे, इसे कुछ इस प्रकार से यूज किया करते थे। तो यहाँ पर जैसे ही आएंगे, अब हम रानी के कक्ष में लेकर जाने वाले हैं, किस प्रकार से एक राजा का कक्ष है, और राजा की तमाम यानी राजा की बहुत सी रानियाँ हो जाती थी और हर रानी के लिए अलग अलग कक्ष बनाए गए थे। तो देख सकते हैं अब हम आ चुके हैं अंदर, एक पोर्शन अंदर से अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आएंगे तो देखिए एक बैठक के लिए है, इस सिर्फ बैठक के लिए ही बनाया है राजा महाराजाओं को। रानियों के साथ यहाँ पर बढ़िया आराम से बैठा करते थे, जश्न मनाया करते थे, बस यही अच्छी ज़िंदगी थी राजा महाराजाओं की। अब मैं वहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, एक जो बताते हैं इनकी रानी थी वो कितनी भक्ति पूजा पाठ किया करती थी कि अपने कक्ष में भगवान की प्रतिमाएँ दर्शाई हैं और उन्हीं की मतलब मूर्तियाँ, उन्हीं की चित्रकारी बनवाई है उन्होंने खास तौर पर। और एक चीज़ देखेंगे, ये 7 नंबर लिखा है, क्योंकि जब हम इस महल में प्रवेश करते हैं तो हमें एक हेडफोन दिया जाता है, 7 नंबर दबाएंगे तो इसके इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। हालांकि अब हम अंदर एंट्री करेंगे, अंदर एंट्री करते हैं तो देख सकते हैं ये रानी का कक्ष कुछ इस प्रकार का होया करता था। आप देख सकते हैं उस समय जो रानियाँ रहती थी, इस ऐसे कक्ष खास तौर पर राजा उनके लिए बनवाया करते थे। और यहाँ पर देखिए इसमें चित्र किस प्रकार से दर्शाए हैं, और इसमें देखेंगे कि इसमें सिर्फ देवी देवताओं को ही चित्र मिलेंगे, जितने देवी देवता हैं भगवान श्री राम, हर चीज़ गणेश भगवान और मगरमच्छ, हाथी, पता नहीं इसमें क्या क्या है। यहाँ पर देखिए बड़े हाथी, हर चीज़ का अलग अलग महत्व है, और सिंह पे भी कोई देखने को हमें मिलता है। और यहाँ पर एक देख सकते हो सागर मंथन हुआ था, तो वहाँ पर भी सागर मंथन की चित्रकारी हमें देखने को मिलेगी। तो देखिए ये 500 बरस पहले कुछ इस प्रकार का होया करता था, और उसी समय की ये कलाकारी डिजाइन आज हमें इस प्रकार से देखने को मिलती है। रानी का कक्ष है, अभी मैं और एक राजा का कक्ष भी दिखाने वाला हूँ। हर रानी के कक्ष में अलग अलग चित्र मिलेंगे आपको देखने के लिए, क्योंकि राजा थे, राजा के जो रानियाँ थी सब आसपास ही रहा करती थी। एक इसके लिए एक कक्ष बना दिया, इसके लिए वो कक्ष बना दिया, अलग अलग। तो देख सकते हैं अब हम यहाँ पर आएंगे, हम आपको दिखाने वाले हैं गौर से दोस्तों कि एक नीचे की ओर रास्ता जाता है, वो से देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे किस प्रकार से। तो यहाँ पर हम जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा है और शायद यहाँ पर मेरे हिसाब से सुनसान है। इस महल के अंदर एक गुप्त रास्ते हैं जहाँ कोई नहीं जाता, और यहाँ पर एकदम चंगबादरों का निवास है। यहाँ पर आप आएंगे तो अजीब सी स्मेल आती है चंगबादरों की। तो यहाँ पर दोस्त आएंगे तो मैं पहले आपको इस नीचे का कक्ष दिखा दूँ, तो कैमरा में लाइट जला लेना ज़रूर उसकी। तो देख सकते हैं एक किस प्रकार से देख सकते हैं कैमरामैन, यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे तो बहुत डरावना सा यहाँ से लगता है, एकदम अंधेरा। अब हमने जला लिया, ये रास्ता नीचे की ओर जाता है कि खजाने की ओर जाता है, कहाँ जाता है कोई पता नहीं। एक कुआ जैसा हमें यहाँ पर दृश्य देखने को मिलता है, अंदर तो नहीं जा सकते, वहाँ पर ढंग से सीढ़ियाँ भी नहीं हमें देखने को मिलती हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, राजा ने किस प्रकार से डिज़ाइन करवाया। इसे 30 वर्षों का समय लगा था इस महल को बनने में, तो कुछ तो खास होगा ही यार। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस राजा रुद्र प्रताप के महल के कुछ ऐसे रहस्यमय रास्ते हैं जो हमें पता नहीं कहां से कहां ले जाते हैं। क्या पता यहां से निकल के बेतवा नदी में निकलती हूँ, क्या पता कहां निकलती। इसी रास्ते से राजा जब कोई बाहरी आक्रमण करते थे या कुछ आपातकालीन स्थिति में इसी रास्ते से जाया करते थे, आप देख सकते हैं। तो देखिए अब मैं ये रास्ता मैंने दिखा और आपको दिखाने वाला हूँ दोस्त। यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो उस समय के देखिए एक कक्ष बने हैं, बड़े बड़े राजा रानियों के कक्ष हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे खास तौर पर। यहाँ पर आएंगे इसे पूरी तरीके से देखिए, यहाँ पर बंद है, और बंद होने के बाद यहाँ पर देखेंगे एक ग्राउंड किस लिए बनाया होगा ये राजा ने, क्या पता, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका कोई सेंस भी नहीं निकल रहा है किस लिए। ये अलग से पोर्शन है, और पोर्शन के बाद यहाँ पर देखिए चारों तरफ से किस प्रकार के बड़े बड़े पिलर हमें देखने को मिलते हैं, और ये अलग से कक्ष बने हो, कक्ष यहाँ एक अलग से यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक है क्या जो नीचे अगर देखेंगे तो बहुत गड्ढा सा, बिल्कुल धरती दिखती ही नहीं, ऐसा लगता है बहुत नीचे तक ये जाते हों, या पानी के लिए, निकासी के लिए हो, या फिर और किसी के लिए। और अंदर और भी सुरंगें टाइप में निकली हुई अंदर की ओर रास्ता जाता है, वो अलग इसका पोर्शन है, सिर्फ महल का ही पोर्शन। यहाँ पर इसे चिनवा दिया गया, और यहाँ पर भी बंद था, अभी खोल दिया गया, देख सकते हैं। अब मैं राजा के कक्ष में आपको दिखाने वाला, तो दोस्तों वहाँ से मैं आपको अब राजा के फिर से आंगन में आ गया हूँ, और राजा के कक्ष में हम जाने वाले हैं।
एक चीज़ और यहाँ की एक रहस्यमय बताने वाला हूँ कि एक मंदिर बनवाया था यहाँ पर टेंपल उसी समय में, कि जैसे ही सुबह उठे तो भगवान के सीधे दर्शन हो, उन्हें इस प्रकार से उसे डिजाइन किया था। मैं पहले आपको राजा का कक्ष दिखा दूँ। इस कक्ष में से एक सीक्रेट एक जाती है, जगह भी सुरंग भी जाती है, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। ये स्पेशली राजा का कक्ष था, रानी का कक्ष नहीं था, इसमें राजा रहा करते थे स्पेशली। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो राजा का कक्ष थोड़ी और स्पेशली बना है, भाई महाराजा हैं तो बनाए गए होंगे। और इसमें किस प्रकार की डायमंड की आकृति इसमें निकाली है शेप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस राजा के कक्ष को। अब इसके अंदर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर भगवान की प्रतिमाएं भी बनी हुई हैं और राजा रानी के बारे में दिखाया है। यहाँ पर कैमरामैन दिखाना, देखिए राजा किस प्रकार से बैठे हैं, रानियाँ हैं, कुत्ता लिए है एक व्यक्ति, अलग अलग प्रकार की पूरा इतिहास का वर्णन कर दिया गया है चित्रों के जरिए। इसमें अंधेरा होगा मगर जहाँ तक हो सकेगा हम आपको दिखाएंगे। ऊपर और कैमरामैन दिखाना कि ब्रह्मा जी की और अनेक देवी देवताओं की किस प्रकार से इसमें प्रतिमा उकेरी गई हैं इस चित्र के जरिए और दिखाया गया। वो रास्ता देख सकते हैं, दो रास्ते निकलते हैं जो महल से नीचे की ओर जाते हैं। तो एक ये है, देख लेते यहाँ पर, एक ए वो रास्ता है जो नीचे की ओर जाता है सुरंग की ओर, एक ए है, ये स्पेशली राजा के रूम का है नज़ारा। अब यहाँ पर आएंगे तो देख सकते हैं इस राजा के रूम की अलग ही खासियत है, किस प्रकार से इसे डिजाइन करवाया होगा राजा ने, डेकोरेट करवाया होगा उस समय, कितना अच्छा यहाँ पर लगता होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं भगवान श्री राम हैं और उनके तीनों भाई हैं, और ये देख सकते हैं हनुमान जी हैं और यहाँ पर और सीता जी हैं, सभी लोग इसमें चित्र उकेरे गए हैं इस चित्र के जरिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से युद्ध की एक रणनीति बनाई गई है कि कैसे युद्ध लोग लड़ रहे हैं, जिसमें राजा देख सकते हैं चारों तरफ से इसी चीज़ को ज़्यादा नज़रअंदाज तो नहीं किया करते होंगे, इन्हीं को उठकर सुबह देखा करते होंगे और अपनी जीवन की शुरुआत किया करते होंगे हर रोज़ अलग अलग प्रकार से। तो यहाँ पर भी आप एक बार और देख लीजिए, टेम्पल है, टेम्पल में कैसा डांस हो रहा है, और डांस होने के बाद एक हाथी को भी उकेरा है। यहाँ पर आप एक हाथी की प्रतिमा देखेंगे, बहुत अद्भुत कर देगी आपको, इसे देखना गौर से देखना। यहाँ पर कैमरामैन थोड़ी नज़दीक से ज़रूर इसे दिखा दो, किस प्रकार से हाथी में कितने व्यक्ति समा गए हैं देख सकते हैं, ढोलक वगैरह नाचने वाली हुए हैं, सब कुछ यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इस राजा के इस कक्ष में बहुत अद्भुत चीज़ें दोस्तों बनी हैं। अब मैं ऊपर ले जाने वाला हूँ, जो राजा की एक रानी थी जिससे सबसे अत्यधिक प्रेम किया करते थे रुद्र प्रताप, उनके लिए एक ऊपर कक्ष बना था स्पेशली, क्योंकि जैसे ही जब रानी सुबह उठे, यानी सुबह उठती थी तो सीधे मंदिर के दर्शन उन्हें देखने को मिलते थे, इसलिए उन्होंने बाद में एक मंदिर का निर्माण भी करवाया था इसके बाद। तो देखिए अब हम ऊपर की ओर चलेंगे दोस्त, तो यहाँ से वो रास्ता है देख सकते हैं, हम ऊपर विजिट करेंगे तो देख सकते हैं ये रास्ता है। अब हम ऊपर आ चुके हैं, ऊपर आने के बाद एक बार चारों तरफ से नज़र फैलाइए, देख सकते हैं कितना भयंकर तरीके से इस महल का नज़ारा हमें देखने को मिलता है, कितने कक्ष बनाए हैं और किस प्रकार से, इसका बजट करोड़ों में जाता होगा उस टाइम भी दोस्त। तो देख सकते हैं जब इसे समय तो लगाई है और बड़े रुच के इसे बनाया है, डिजाइन से बनाया होगा, आप इसे देख ही सकते हैं। अब मैं आपको रानी का कक्ष दिखाने वाला हूँ। अब हम रानी के कक्ष में आ चुके हैं, देख सकते हैं यह वो रानी का कक्ष है। इस रानी के कक्ष की सुंदरता और भव्यता को देख कर हम भी हैरान रह जाते हैं कि राजा के महल से, राजा के कक्ष से भी बहुत अच्छा इसे डिजाइन किया गया है। एक बार कैमरामैन चारों तरफ से इसकी कलाकारी दिखा दीजिए, किस प्रकार से इसमें उकेरी गई है, देखना किस प्रकार से ढोल बाजे नगाड़े किसी बहुत अद्भुत कर देती हमें, तो ये चीज़ें आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कैसा कैसे कलाकारी की होगी उस समय। अब यहाँ खासियत यह थी जो रानी का कक्ष था, रानी का कहना था कि जब भी मैं सुबह उठूँ तो मुझे भगवान के सीधे दर्शन हो ओरछा में, देख सकते हैं। तो यहाँ अंदर आओ, अंदर के बाद एक बार और दिखा देना यार, इतनी चित्र कौन बनाता होगा और क्या राजा रानी इतने शौकीन थे चित्र के, जो हमें हर कक्ष में चित्र मिलते हैं देखने के लिए, आप देख ही सकते हैं। और ये चित्र अभी भी कई सौ सालों तक ऐसे ही बने रहेंगे दोस्त यहाँ पर। अब एक खास चीज़ है, देखिए रानी का एक कक्ष है, रानी जब सुबह उठा करती थी तो देख सकते हैं भगवान के सीधे दर्शन यहाँ से पाया करती थी। तो यहाँ पर दरअसल कैमरामैन आना, एक खास चीज़ बता रहा हूँ, एक रहस्य कम नहीं है दोस्त, यहाँ पर जब रानी जगेगी तो देखना मंदिर के डायरेक्ट आपको दर्शन होंगे भगवान के यहाँ। तो यहाँ पर आएंगे तो देख सकते हैं मंदिर के यहीं से रानी दर्शन किया करती थी। अब मैं आपको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पर वो मंदिर बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर
जो भगवान श्री कृष्ण का देख सकते हैं मंदिर है। आज पहले यहाँ पर भगवान राम की प्रतिमा मूर्ति यहाँ पर रखनी थी, फिर इसमें कृष्ण की मूर्ति इसमें रख दी गई। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से डायरेक्ट दर्शन होते हैं दोस्त। यहाँ पर यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर सीधे आपको यहाँ से दिख रहा होगा, थोड़ी उजेला सा देख सकते हैं, यहीं से दर्शन होया करते थे भगवान के। तो ये स्पेशली देख सकते हैं, रानी ने स्पेशली मंदिर बनवाया था भगवान श्री राम के लिए। फिर यहाँ पर भगवान श्री राम बगल में स्थापित कर दिए, क्योंकि एक शर्त पर आए थे कि जहाँ पर उसे उन्हें रख देंगे तो वहीं पर स्थापित हो जाएंगे, इसलिए उनके बगल में जस्ट मंदिर के बगल में भगवान श्री राम विराजमान हैं। और इस मंदिर में जो आज आपको मैंने दिखाया, जहाँ से रानी का एक सपना था कि मैं भगवान के सीधे दर्शन करूँ इस महल से, फिर उसके बाद क्या है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति यहाँ पर रख दी गई है। तो देख सकते हैं इस मंदिर और इसके बारे में है। देखिए अब मैं ऊपर जाने वाला हूँ सबसे ऊपरी भाग में। तो देख सकते हैं महाराजा रुद्र प्रताप के महल के सबसे ऊपरी हिस्से में हम आ चुके हैं, और ये जालियाँ उसी टाइम की बनाई हुई हैं। सुंदर देखने के लिए इस तरफ जामनी नदी है, और इसके जस्ट उस तरफ आप देख सकते हैं महल, महल के उस तरफ जो बेतवा नदी है, वहाँ पर दो नदियों के बीच टापू पर इसका निर्माण करवाया गया था खास तौर पर, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसे इतना नहीं बहुत अच्छी तरीके से बनाया है कि बहुत सुंदर नज़ारा तो हमें देखने को मिलता ही है। तो देखिए अभी हम बहुत ऊंचाई पे आ चुके हैं, यहाँ से एक बार देखिए ये गैलरी भी दी गई है छोटे छोटे रास्ते निकलने के लिए, और इसके अभी और ऊंचाई पे बना हुआ है, मगर ऊपर जाना प्रतिबंधित है, ऊपर नहीं मैं दिखा सकता, इतना ही आपको कैप्चर करके मैंने दरअसल आपको दिखा दिया दोस्त। देख सकते हैं एक बार आंगन, और यहाँ से कैमरा मैन थोड़ी कैप्चर करके दिखा दीजिए किस प्रकार से यहाँ पर दिखता है। तो देखिए ये है महाराजा रुद्र प्रताप सिंह का महल, जो बहुत विशाल महल बना है, जो बुंदेलखंड की शान भी इसे कह सकते हैं। यहाँ पर एक बार और कैप्चर करो चारों तरफ से। तो देखिए, तो देख सकते हैं ओरछा में स्थित है महाराजा रुद्र प्रताप का जी का ये महल, जो 500 वर्ष पहले इसका खास तौर पर निर्माण हुआ था, आज कुछ इस अवस्था में हमें देखने को मिलता है, बहुत अच्छी स्थिति में है। यहाँ पर काफ़ी लोग टूरिज़्म, बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं फॉरेन कंट्री से भी, और इसे विश्व धरोहर में खास तौर पर इसे शामिल किया गया है, तो यहाँ पर कुछ तो खास होगा। तो इस इमारत के बारे में मैंने इतिहास आपको बताया, जो भी है इसका इतिहास बहुत लंबा है, मैंने आपको शॉर्ट शॉर्ट ही दरअसल इस वीडियो के माध्यम से दिखाया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, धन्यवाद।